आप भागे क्यों? देखिए आप क्यों नहीं भागा? नहीं तो मासूम भागा पड़ा। आप इतने छोटे क्यों भागा? आप तो बड़े हैं। मीडिया बड़े हैं। आप लोग देखिए मीडिया को धक्का दे रही है। और जाइए इनको क्या बोले क्या बोले? एक मिनट, उनको नहीं बुलाया इसलिए ऐसा करवा क्या बोले? शादी में क्यों बुलाएंगे किसी मीडिया को? मैं अपनी मर्जी से, समाज की मर्जी से शादी किया। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था लेकिन आरती यहाँ चले गई। यहाँ पे तमाम 250 पत्रकार से ज्यादा हैं। यहाँ देखिए काफी भीड़ लगी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए जहाँ भी देखिएगा तो पत्रकार देखिएगा, जहाँ भी देखिएगा तो पत्रकार देखिएगा, हर एक जगह नजर आएगा। जरा सोचिए क्या यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये आरती के कारण इतना मैटर है, लेकिन दूसरे मुद्दा पे आवाज जो उठाया जाए तो फिर बिहार आगे हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए काफी भीड़ है, काफी भीड़ है, देख लीजिए। आरती के ही बात पैसा क्यों? आरती आ गई है, आरती आ गई है। शांत रहिए, शांत रहिए, सब शांत रहिए। ए भाई, हेलो हेलो हेलो, होगा होगा होगा, शांत रहिए सब। मोबाइल भरा है कौन भाई? अरे भैया आप साइड हो जाइए ना, साइड होइए ना, आज आगे ही आ गए यार। बस रुकिए, शांत रहिए, शांत रहिए। आप हाथ हाथा को नहीं रखिए। आरती जी नीचे रख दीजिए। आरती जी सबसे पहले, अरे भाई यहाँ नीचे, अरे रुकिए ना हो भाई। आरती जी सबसे पहले आपको दोनों को शादी की, भाई रुकिए ना भाई, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? टाइम कैमरा ऑन कीजिए सब। अरे ऑन करेगा कैमरा, एक्शन स्टार्ट हो। कैमरा ऑन कीजिए सब, ये सारे झुक गए हैं, क्या हो रहा है? वही तो समझ नहीं आ रहा है। इधर बोलिए ना, इधर है कौन भाई? सब ऐसे चल रहा है। आरती जी सबसे पहले आप दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, मंगल हो, सुखी रहें। आप सबसे पहले आपसे ये सवाल है, थोड़ा कड़वा सवाल होगा, पहला सवाल मेरा, कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि मैं अपने प्रेमी, उस प्रेमी के लिए जो, भाई चुप रहिए ना, किनका? उस प्रेमी के लिए, यानी छोटू, छोटू जी जो है, जो आपके लिए इस दुनिया से चले गए, मैं उसके लिए सदैव जो है विधवा बनकर जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन एक साल नहीं बीता आपने शादी रचाई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए हम सबसे यही विनती करते हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं। हमारा भी मोबाइल लगा हुआ, थोड़ा जोर से बोलिए, बोलिए बोलिए, मोबाइल लगाबो। अरे हिला डोला कह रहे हैं जी, बोलिए बोलिए, कहिए क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम क्या कर सकते हैं? हम एक लड़की हैं, हम क्या अकेले जिंदगी काट सकते हैं? उस वक्त हमारी हालात सही नहीं थे, बकने का कुछ बक रहे थे कुछ। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहे? नहीं नहीं, हम लोग या कोई भी कति ऐसा नहीं चाहते हैं। आप ही के बयान को आपको मैंने याद दिलाया, आपकी बयान को हम तो बोल रहे हैं, आपकी बयान को आपका कहना है कि मानसिक जो संतुलन मेरा बिगड़ा हुआ था, इसी कारण मैंने बोल दिया। कभी कुछ बोला जाता, कभी कुछ बोला जाता, तब क्या करे? सब दिन ऐसे रहे, जिंदगी क्या, लड़की है, जिंदगी काट सकते? सामने देख के बोलिए,
चलिए खैर, अब आपकी शादी हो चुकी है मनु जी के साथ, तो कैसा जिंदगी कैसा बीतेगा आपका? कैसा बीतेगा तो भविष्य आने वाले दिन में कैसा? खुश है ना आप शादी के बाद? आप खुश है ना? इसको बंद कीजिए जी, खुश तो रहना पड़ेगा ना, रहेंगे क्यों नहीं? रोकिए रोकिए, टेबल आपके व्यवहार से कैसे लगते हैं, छोटू जैसे या उनके विपरीत? वो सब सवाल मत पूछिए, हम जवाब नहीं दे सकते। देखिए आरती जी, सवाल अभी अभी आप खुश हैं ना शादी के बाद? अपने शादी अरे ऐसे में नहीं होगा यार, ऐसे में नहीं होगा, ऐसे कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है? बंद करवाइए, बंद करवा दीजिए। रुके रुके ठीक से स्थिर से सवाल पूछ रहे हैं, बीच में हल्ला गुल्ला मत कीजिएगा। ये सवाल ये ना पूछिए, पीछे 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 इनका पीछे रखिए, पीछे चल भाई साहब, किनका पीछे रखिए। आपसे आग्रह है, लगातार आपसे कहा जाता है कि आप थोड़े बोल्ड आवाज में बोलिए, क्योंकि हल्ला गुल्ला हो रहा आवाज नहीं आएगा, और जब भी आप बोलेगा बोल्ड आवाज में बोलेगा, बीच में कोई आदमी नहीं बोलिएगा। रेडी है? आरती जी, अरे यार आरती जी, सबसे पहले आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आपने वादा किया था, कई वीडियो में आपने ये कही थी कि शादी हम नहीं करेंगे, विधवा रह के ही हम अपने जीवन को बिताएंगे, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आरती ने शादी कर ली? देखिए हम तो सब दिन बोलते आ रहे हैं, मतलब वो तो बोले थे उस वक्त, ऐसी हालात थी कि आप लोग देख ही रहे थे कैसी हालात थी उस वक्त का, अभी वक्त का कितना फर्क हो रहा है, कितना फर्क है तो उसमें, तभी तो अब क्या बता सकते हैं हम इसमें। क्या फिर कब आगे भी हालात बदलने वाली? कैसे आगे हालात बदल जाएंगे? ये भी कहा जा रहा है कि समाज के लोग बोल रहे हैं कि कुंवारी लड़की को घर में नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपने शादी किया था, क्या ये बात सही है? ये भी तो बात सही है। आपने बोला कि हालात के हिसाब से बोलना चाहिए, सुने आपने बोला कि हालात के हिसाब से हमने कदम उठाया है, आपके स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर हुई, मजिस्ट्रेट के सामने हुए 164 के बयान में, क्या उस बयान को भी जो अदालत है ये मान ले कि आपके हालात मानसिक हालत सही नहीं थी तब आपने दिया था स्टेटमेंट? वो तो देखिए उस वक्त एनी टाइम ऐसा थोड़े होता है कि एनी टाइम स्थिति ठीक ही रहता वैसी ही रहता है, मिनट में पल में क्या होता है कौन जानता है। ऐसा क्या हो गया आपके साथ में जो 5 महीने के अंदर आपने शादी कर ली, जबकि आपने बोला था कि हम जिंदगी भर तक छोटू के विधवा बन के रहेंगे? तो जिंदगी भर वो तो बोले थे, अरे समाज के दबाव में शादी किए हैं हम, समाज कहाँ ये कुमारी लड़कियों को घर में रख सकते हैं? डिसीजन लेती है, बोल्ड डिसीजन लेती है, और अभी आज ही के दिन ने बोला था कि हमने जो लिया है फैसला अपना खुद के बदौलत लिया है फैसला, तो आपके साथ ऐसा क्या हो गया जो आपको बहुत जल्द फैसला लेना पड़ गया? बहुत जल्द समाज बोले ऐसे कि इस तरह का नहीं रहना चाहिए, करवाइए, तो इस तरह का हुआ। शादी तो समाज बोले तो समाज 1 साल कैसे रुक सकते हैं? जब समाज बोल रहा है तो उसमें हम कैसे रुक सकते हैं? समाज में रहना एक समाज से थोड़े जाना, आप लोग समाज में आना जाना, मोटा 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 मोटी आना जाना समाज के डर से, समाज के दबाव में आप शादी नहीं ना किए हैं? अब देखिए सबका विचार होता है, सहमत होता है तभी तो कुछ होता है, ऐसा थोड़ी है कि सहमत है ना, समाज समाज में सहमत है, समाज में रहेंगे तो समाज का बात नहीं मानेंगे। वही चीज है, लोग सामने सामने छोटू की, एक सेकंड, आपकी शादी छोटू से तय होने वाली थी, हालांकि अब छोटू इस दुनिया में नहीं है, क्या शादी के वक्त छोटू की याद भी आई थी आपकी? अब ये सब बात देखिए भैया पूछने के लायक है, ये सब जो बात बीत गया जब आप लोग हम बार बार इतना रिक्वेस्ट कर चुके हैं बीते हुए बात को मत लाइए तो फिर बीते हुए बात को क्यों ला रहे हैं? तो क्या ये मान लिया जाए? हम रोक नहीं रहे भैया, हम रोक नहीं रहे, कभी रोके हैं? 5 महीने पहले रो रो कर बोल रही थी, चीख चीख कर बोल रही थी कि मेरे प्रेमी को मार दिया गया है, क्या हो गई है, और फिर 5 महीने के अंदर उसकी गम को भुलाकर शादी कर लिया? गम को हम नहीं भुलाए, अभी भी मेरे अंदर गम है, सबके अंदर गम है, समाज से पूछ लीजिए आप लोग, माफ ले जाके शादी नहीं किए हैं, ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? अभी भी हम चीख करके बोल रहे हैं, किस तरीके से देश पर प्रेस करना, आरती ने
शादी जो हुई है समाज के, समाज के मन से हुआ। चैनल है यहाँ बात करने, समाज के इच्छा से, समाज की इच्छा से शादी हुआ है समाज।